हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। सर कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ मैं ओटीजी लाइफ में पहली बार इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैंने कभी भी ओटीजी को यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी धीरे धीरे होता जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आज बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा ब्रेड या ब्रेड पिज्ज़ा। तो इसके लिए मैंने कुछ सामान लिया है जो मैंने आपको दिखाया है। तो जैसे जैसे मैं स्प्रेड करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे ली है मैंने 2 ब्राउन ब्रेड, क्योंकि हमारे घर ब्राउन ब्रेड ज़्यादा यूज़ होती हैं। इस पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ म्यूनी एंड पिज़्ज़ा सॉस का कॉम्बिनेशन है ये। तो बिल्कुल प्लेन म्यूनी जो होती है, वाइट म्यूनी, तो 1 स्पून मैंने वो ली है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ली है पिज़्ज़ा सॉस, जो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस आती है वो, और उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक इसको स्प्रेड बनाने के लिए। तो ये मैंने दोनों ब्रेड पे बहुत सारा लगाया है और अच्छे से स्प्रेड किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा की जो बेस है और उस पर खूब अच्छी सी अगर फिलिंग ना हो तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बना के उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ अनियन, और ये रफली चॉप अनियन जो हमने एक एक स्लाइसेस अलग कर दी थी उसको रख लेंगे। और इसके मैंने बड़े पीसेस नहीं रखे हैं, क्योंकि ये ब्रेड है पिज़्ज़ा नहीं, तो प्रॉपर जो पिज़्ज़ा बेस होता है उस पर तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं अनियन के, बट ये ब्रेड है तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इस पर छोटे छोटे पीसेस रखे हैं। और इसी के ऊपर मैं इसमें ऐड करूँगी इतने ही छोटे छोटे पीसेस कैप्सिकम के। बट मैं जब भी टॉपिंग्स इस तरह के बनाती हूँ तो उस पर कोशिश करती हूँ कि अनियन ज़्यादा हो और कैप्सिकम कम हो। कई बार कैप्सिकम थोड़ा सा कच्चा होता है तो खाने में ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो इसलिए अनियन अच्छा लगता है। अनियन तो कितना भी स्प्रेड कर दो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम भी रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। तो मिक्स हर्ब्स जो हैं वो इसके ऊपर डालनी है जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं। तो बस इसको स्प्रेड कर दिया है। ये गई थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी हो जाता है। और इस पे बहुत सारा ग्रेटेड चीज़। तो चीज़ यहाँ पे पहले ही मैंने ग्रेट कर लिया था, अमूल चीज़ है ये, और इसको खूब सारा स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर, क्योंकि मोर द चीज़ एंड मोर द पिज़्ज़ा विल बी डिलीशियस। तो बस इसलिए बहुत सारा चीज़ इस पर लगा दिया है। अब हम इसको रखने जा रहे हैं ओटीजी में, और ओटीजी मैंने यहाँ पे 8 मिनट के लिए 180 डिग्री पे सेट किया है। तो हम यहाँ पे टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ 180 डिग्री पे ये सेट कर दिया है, प्री हीट नहीं किया हुआ। अब मैं डायरेक्ट इसको रखूँगी। ये जो नॉन स्टिक ट्रे है ये ओटीजी के साथ ही आई है। बस इस पे मैंने थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड करा है, क्योंकि नीचे से ब्रेड मुझे एकदम कच्ची ब्रेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो घी के साथ ना अच्छे से सिक जाएगी तो खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो अब इसको हम रख देते हैं ओटीजी के अंदर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ओटीजी यूज़ करने का। मैंने कभी माइक्रोवेव भी यूज़ नहीं करा और ना ही कभी ओटीजी यूज़ किया है, तो देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट। तो इसको रख दिया है, ओटीजी कर देते हैं बंद। और यहाँ पे स्टार्ट, और इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि अंदर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे और ऊपर दोनों रॉड्स ये स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत अच्छी खासी हीट थी, मतलब ऊपर से भी धुआं भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, जो उसके एयर वेंट्स है वहाँ से बहुत वेंटिलेशन भी दिख रही थी। और ये देखिए ये बन के हो गए हैं तैयार। ये मैंने निकाल लिए हैं बिल्कुल टाइम पे, 8 मिनट बाद ये मैंने निकाल लिए। अब इनको कर दिया है प्लेट में सर्व, और खाने के लिए हैं बिल्कुल रेडी। तो ये जितना भी एक्सेस ऑयल था ये बहुत ही आराम से साफ हो जाता है ट्रे में से। ये देखिए बिल्कुल चीज़ प्रॉपरली मेल्ट हुआ, ब्रेड भी अच्छे से सिक गई, और खाने में भी वैसे ही क्रिस्प था जैसा कि हम नॉर्मली पिज़्ज़ा खाते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब तवे पे बन तो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तवे पे भी बनता है, बट तवे पे कई बार क्या होता है चीज़ मेल्ट भी नहीं हो पाता और नीचे से ब्रेड सिकनी तैयार हो जाती है। तो वहाँ पर ब्रेड के जलने का थोड़ा सा डर रहता था और कुछ नहीं।
तो ये देखिए कितनी चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा बना हुआ है ब्रेड का। तो झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर OTG है, नहीं है तो तवे पे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए चैनल से। टिल देन गुड बाय।